एशियन एशिया टीम्स की अगर हम बात करें तो जो जो बड़ी तीन टीम्स यहाँ पर हम देखते हैं ओमान, यूएई और नेपाल, इनमें से अगर हम दो टीमों को पिक करें ओमान और नेपाल, तो उनकी अगर आप अचीवमेंट्स देखेंगे रिसेंटली तो काफ़ी बेहतरीन रही है। और ओमान की तो कुछ वक्त से ही चली आ रही है और नेपाल की जो है वो इसी साल से कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन रही है। लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स वगैरह की सारी बातें टीम लगातार करते हैं, हर कोई करता है, हम भी करते हैं और आप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और कहीं ना कहीं कोचेस को भी अप्रिसिएशन जरूर दी जाती है। लेकिन बैक स्टेजेस की अगर हम बात करें जो कि कोच जिसमें सबसे नंबर वन पर होते हैं, उनकी उस तरह से डिस्कशन शायद नहीं हो पाती जिस तरह से कहीं ना कहीं खुल के करनी चाहिए कि क्या क्या प्रोस्पेक्टिव इन कोच के आने के बाद चेंज हुए हैं या फिर इन कोच का क्या तरीका है अपने प्लेयर्स को सिखाने का या फिर क्या किस तरह से वो इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं। इसके बारे में प्रेस तो जरूर होती है कोच की, लेकिन उस पर डीप जाकर बात करना ये कहीं ना कहीं बहुत बार मिस आउट हो जाता है, बहुत बार किया भी जाता है, बहुत बार मिस आउट भी हो जाता है। इसी चीज को यहाँ पर हम आज पिक करने वाले, हमने पहले आपसे कहा भी था कि एक वीडियो जरूर लेके आएंगे कोचेस रिलेटेड, तो यहाँ पर दो जो कोचेस हमने आज पिक किए हैं वो हैं मोंटी देसाई सर और दिलीप मेंडिस सर। जी हाँ, ये दोनों रेस्पेक्टिवली अपने अपने टीम्स के यहाँ पर कोच हैं। एक की बात करें दिलीप मेंडिस सर की, तो ओमान के कोच हैं जो कि काफी लंबे वक्त से, मेरे ख्याल से लगभग 9 साल करीब, जी हाँ 2015 में भी वो थे क्वालिफायर्स में, तो लगभग 9-10 साल उनको भी होने को आ गए हैं, 9 साल करीब करीब। वही मोंटी देसाई सर की बात करें तो उन्हें एक साल करीब करीब यहाँ पर हुआ है, इसी साल वो कहीं ना कहीं शुरुआत में उन्होंने कंटिन्यू किया था। तो दोनों टीम्स जो कोच यहाँ पर इन्वॉल्व है, उन दोनों की जो रिजल्ट्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो अलग अलग हैं। सबसे पहले अचीवमेंट्स की बात करते हैं, फिर जरा डिस्कशन करेंगे कि क्या इन्होंने चीज़ें टीमों में बदलाव की हैं और क्या एक दो चीज़ें इनको और टीम में बदलाव करना है जो इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज आगे बना रहेगा। सबसे पहले शुरुआत अचीवमेंट से करते हैं, दिलीप मेंडिस सर की अचीवमेंट्स से अगर हम शुरुआत करें, क्योंकि उन्हें क्या है एक फ्लो मेंटेन भी करना, बिल्कुल उनके लिए, उनके क्योंकि एक काफी लंबे वक्त से ओमान के से चल रहे हैं, तो उन्हें वो मेंटेन वाला प्रोसेस भी करना था कि साल दर साल हमें से मेंटेन भी रखना है, हमें ये नहीं कि हम नीचे जाते रहें। उन्होंने वो मेंटेन भी किया है, उस प्रोसेस में उनके नाम कौन कौन से अचीवमेंट्स अभी तक जुड़ी हैं अगर हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को देखें ऊपरी तौर पर। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें सबसे पहले तो जब वो आए 2015 में तो उसके बाद ही टीम ने क्वालिफाई किया और 2016 का T20 वर्ल्ड कप जो खेला वहाँ पर, उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक भी यहाँ पर लगा दी उन्हीं के अंडर में। अगर हम देखें 2016 में खेले, 2021 में उन्होंने खेला, फिर एक मिस आउट किया थोड़ा सा, फिर एक ज़ोरदार वापसी की और 2024 के लिए भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। तो ये वाकई में एक कंटिन्यूटी बनाए रखना इतने लंबे वक्त से एक कोच के अंडर, ये बहुत बड़ी बात होती है, वरना तो एक हारे तो सीधा कोच को बदल दिया जाता है। तो यहां पर हमें एक चीज देखने को मिली, लेकिन उसी बीच में T20 वर्ल्ड कप्स में जब पहुंच भी रही थी टीम, लेकिन साथ ही साथ ICC ने ODI स्टेटस भी, जो एक रूल लगाया ICC ने कि एसोसिएट भी ODI स्टेटस गेन कर सकता है, वहां पर फिर से ओमान को ला खड़ा कर दिया इन्हीं दिलीप मेंडिस सर ने 2019 में, जब ओमान को ODI स्टेटस मिला, ODI खेलने का मौका मिला, वो भी दिलीप मेंडिस सर के टेन्योर में मिला पहली बार जब ओमान ODI टीम भी बनी। उसके साथ अगर हम बात करें आगे चलकर, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो यहाँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आपको आना होगा, जहाँ पर जाने से पहले जो बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं और कोच भी हैं मिस्टर पंकज खिमजी जो बोर्ड प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा था कि हमारा एक टारगेट है कि हम सुपर सिक्स तक पहुँचे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो अभी हुए थे, और एग्जैक्टली टीम ने उस पर भी टीम खरी उतरी और उस पर दिलीप मेंडिस सर भी खरे उतरे बिल्कुल, और टीम पहली बार सुपर सिक्स में डायरेक्ट पहुँच गई, खेल कर जीत कर सुपर सिक्स में भी पहुँच गई। बिल्कुल, वहीं पर उसकी आगे बात करें तो उन्होंने ब्यूटफुल मेंबर्स की जो लिस्ट है उसे भी चालू कर दिया, जरूर फुल मेंबर्स को भी उन्होंने चालू कर दिया। उन्होंने आयरलैंड को भी T20 में मात दे दी है और ODI में भी मात दे दी है, दोनों फॉर्मेट में, चाहे आप कुछ भी कह लें, आखिर आयरलैंड है तो फुल मेंबर ही। उन्होंने शुरुआत इस चीज़ की कर दी है और फुल मेंबर्स को भी उन्होंने हराना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। वहीं पर अगर एक और अचीवमेंट की बात करें तो वो है रिटेन ODI स्टेटस। वर्ल्ड कप लीग टू में जब टीम जो है टॉप टू में थी, उसी के साथ साथ उन्होंने अपना ODI स्टेटस, क्योंकि ODI स्टेटस गेन करना एक अलग बात है, वो तो आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है की, लेकिन उसे वापस से रिटेन भी करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि PNG जो उन्होंने गेन तो किया लेकिन वो रिटेन नहीं कर पाए, तो आज कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल वहां पर उनका नजर जरूर आता है। वो एक ही बार आपको पूरी पिक्चर पे दिखेंगे, बड़े पिक्चर पर वो होगा जब भी वो T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था जो उनके अंडर में टीम ने कवर किया। तो 2016 से लेकर लगातार अगर हम बड़े पिक्चर पर देखें तो ये सारी चीजें अचीवमेंट्स उनकी रही हैं जो कि काफी बेहतरीन रही है। लेकिन
एक आध चैलेंजेस भी उनके सामने है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें उनके अंडर में आई किस तरह से हैं, उस पर ही बात होगी। लेकिन अब चलते हैं मोंटी डिसा सर की अचीवमेंट्स की तरफ। मोंटी डिसा सर की जो अचीवमेंट्स की लिस्ट है अभी तक की बात करें बड़ी बड़ी पिक्चर पर, फिर हम अंदर भी घुसने की कोशिश करेंगे, वो एम क्या दिखाती है। ज़रूर, देखिए जब वो आए तब टीम के शायद 12 गेम्स रिमेनिंग थे, वहाँ पर उन्होंने उनकी कोचिंग में टीम ने 11 गेम जीते लगातार, जीत रही, बिल्कुल क्या बेहतरीन एक सीरीज चल रही थी जीत की लगातार उन्हीं के अंडर इसी साल। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर एशिया कप के लिए टीम ने क्वालिफाई किया, ये वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगी सर के अंडर। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा अचीवमेंट था, नेपाल एशिया कप खेला फर्स्ट टाइम अपने पूरे हिस्ट्री में। उसके बाद हम देखें तो ओडीआई स्टेटस रिटेन यहाँ पर किया सरी के अंडर, मॉडल साइज सर के अंडर की कहाँ टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, लग नहीं रहा था कि टीम शायद टॉप 3 में पहुँच पाएगी जो हालात थे टीम के, लेकिन जब सर आए मॉन्टी सर तो उसके बाद के हालात कुछ अलग ही नज़र आ रहे थे और टीम ने क्या फिनिश किया है, नामीबिया को नीचे धकेल दिया बहुत बेहतरीन और फिर ओडीआई स्टेटस भी रिटेन किया। और उसके बाद अभी हमने हाल ही में देखा जिस तरीके से टीम ने 10 साल बाद आखिरकार जाकर T20 वर्ल्ड कप का सूखा भी खत्म किया, वो भी मोंटी डिसाई सर की कोचिंग। बिल्कुल, तो ये कुछ बड़े बड़े अचीवमेंट्स यहाँ पर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप यहाँ देखें तो अगर आप सोच रहे होंगे कि टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी खेली, डेफिनेटली वर्ल्ड कप क्वालिफायर ऐसा नहीं है कि नेपाल ने पहली बार, जी हाँ, तो ये यहाँ पर हम कंसिडर नहीं कर सकते, वो उससे पहले भी मेरे ख्याल से 2 बार करीब करीब नेपाल वर्ल्ड कप क्वालिफायर, इसलिए हमने ओमान में भी ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर वाली चीज़ नहीं कही, वहाँ हमने बात की सुपर 6 में पहुंची वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, वो उनके लिए अचीवमेंट था क्योंकि उन्होंने खुद ये टारगेट रखा था जाने से पहले, इसलिए वो अचीवमेंट के तौर पर हमने यहाँ पर रखा है। बाकी इमर्जिंग एशिया कप भी नेपाल पहले भी खेल चुका है, पहले मैचेस के अंडर में भी, तो कुछ ऐसा नया, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स रहे। लेकिन ये अचीवमेंट्स जितने आपको ऑन पेपर दिख रहे हैं इससे भी ज्यादा बड़े रहे हैं, बिल्कुल इससे भी ज्यादा बड़े रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी नहीं थी कि हाँ टीम है थोड़ा सा प्रैक्टिस कराया और सबने अचानक से मारना रन करना चालू कर दिया और टीम ने जीतना चालू कर दिया, ऐसा नहीं है, टीम के हालात बद से बदतर थे। जी हाँ, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगा फिर से दिलीप मेंडी सर से, फिर मोंटी डिसा सर पे भी आएंगे। दिलीप मेंडी सर की अगर सबसे एक क्वालिटी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वो किस तरह की कोचिंग सिनेरियो अभी तक उनका आपने देखा है, जो अपने लंबे वक्त से हम भी देख रहे हैं, लगभग 2021 से हमने भी यहाँ पर स्टार्ट किया और हमें भी लगभग 3 साल यहाँ पर हो गए कि लगातार कोचिंग हमने देखा, बाकी उससे पहले के हमने कई आर्टिकल्स पढ़े, काफी स्टडी की उनके बारे में भी, और रिसेंटली स्टडी से बेहतर होता है कि आप प्रैक्टिकल देखें। जरूर, आपने 3 सालों में प्रैक्टिकल जो देखा उसमें आपको क्या लगता है कि क्या एक स्पेशलिटी है उनकी जो ओमान की टीम के साथ वो जुड़े हुए भी है, ओमान पर ट्रस्ट भी दिखाया जा रहा है और वो रिजल्ट भी उस तरीके का ला कर टीम को लगातार दे रहे हैं। नहीं जरूर, देखिए एक चीज जरूर है कि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो सेट बैक से फिर फाइट बैक पे आ जाते हैं। जी हाँ, ये मोड जो सर का है ये काबिले तारीफ है, इस वजह से शायद ओमान के बोर्ड ने इनको रखा हुआ है। अगर आप देखें 16-21 वर्ल्ड कप इन्होंने खिलवाया लगातार, 22 का नहीं पहुंचे तो उसके बाद ऐसा काम हुआ, ऐसा टीम में काम हुआ, आप सीरीज देखें उठाकर जब लाइटली लिया 21 से पहले अगर आप प्रिपरेशन देखेंगे ओमान की जो 21 का वर्ल्ड कप खेला था, ऐसा लगेगा कि बस पहुंच गए हैं, मेहरबानी कर दी लगता है आईसीसी ने, लेकिन अगर 24 का प्रिपरेशन अगर आप देखेंगे तो लगेगा, लिटरली लगेगा कि यस ये टीम सच में डिजर्व करती है, प्रैक्टिस के बेस पर, रीजनल फाइनल से पहले की तैयारी की बात। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, तब आपको लगेगा कि हाँ ये टीम बहुत डिजर्व करती है, इसने हर चीज में काम किया है, बैटिंग में, बॉलिंग में, प्लेयर्स को लेकर काम किया है, कुछ अपने डोमेस्टिक से उठाकर भी प्लेयर्स को लेकर आए, ये एक चीज़ है। और ये हर बार करा है सर ने, कोई सीरीज अगर अच्छी नहीं गई है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की, वहाँ से फिर उन्होंने अगली सीरीज में जोरदार वापसी की है। जी ये वाकई में एक सर की बहुत बड़ी क्वालिटी है, यानी कमबैक अप्रोच उन्होंने जो उनके माइंड में थी उन्होंने टीम के प्लेयर्स में भी डाली। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये गलती हमें वहाँ हुई थी, फिर इस गलती को हमें यहाँ दोहराना नहीं है, ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं उन्हें ही ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी है, चाहे कम की प्लेयर्स हो हमारे पास लेकिन जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी है। लेकिन इस तरीके का सिखाना अलग अलग जगह जाकर, अगर आप देखेंगे ओमान का रिकॉर्ड जो है ज़्यादातर ग्राउंडों में वो बेहतर है, इतना डल नहीं है, इतना बुरा नहीं है, जहाँ जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ जीत कर लेके आते हैं, तो ये अपने आप में ओमान बोर्ड को बहुत पसंद आया कि वाकई में। और देखिए सुपर 6 का जो एक एम था दुलीप सर का और मिस्टर खिमजी का, उन्होंने जो रखा था सुपर 6 में हम जाएंगे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, फर्स्ट टाइम था गए खेल कर आए और डायरेक्ट सुपर 6 में पहुंचे, तो वाकई में एक और जो उनका एक लेवल बढ़ा बोर्ड में, यहाँ दुलीप सर ने जो कहा था वो करके दिखाया उन्होंने कि हाँ हम सुपर 6 में जा रहे हैं और देखिए खेल के आए और बिल्कुल आयरलैंड को हरा कर भी आए।
बिल्कुल सही कहा, वहाँ पर फुल मेंबर को वो मात भी देकर आए। अब एक चीज़ और है उनके अंडर में, एंड जो मैंने नोटिस की है, पता नहीं आप उससे सहमत होंगे या नहीं, कि एक चीज़ यहाँ पर एक और नोटिस की गई है कि जब भी हम देखते हैं कि वहाँ कोई मैच हारा हो या फिर कोई ख़राब परफॉर्मेंस भी की हो या फिर कहीं पर कुछ गलती भी हुई भी हो, तो हमें एक्सक्यूजेज दिलीप पांडे सर की तरफ से बहुत कम मिलते हैं। ये एक चीज उनके अंदर जरूर है कि वो एक्सक्यूजेस ज्यादा नहीं देते कि अरे हम इस ये हो गया इसलिए हार गए, अरे हमें वो हुआ इसलिए हार गए, ये हो गया इसलिए हार गए, ये हो गया इसलिए हार गए। नहीं, जब भी टीम हारती है तो वो क्लियरली कहते हैं कि हाँ आज की डेट पर ये प्लेयर्स नहीं चले, ये खराब खेले हैं, वो खराब खेले कहते जरूर है। इससे कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स को आपको लगता होगा नहीं तो डिमोटिवेट हो गया, ये डिमोटिवेट नहीं है, ये चीजें इंस्पायर करती है। जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आपको कोई आपकी गलतियां बताएगा नहीं, तब तक आप उसे फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। और ये चीज सर के अंडर में बहुत अच्छी हमने देखी है कि एक्सक्यूजेस, जितने भी इंटरव्यू हमने उनके देखे हैं, जब भी टीम हारी हो या खराब खेली हो, उनके इंटरव्यू में एक्सक्यूजेस की गुंजाइश 20% आ जाती है, और जो चीजें गलतियां हैं, जो लॉजिक है और जो गलतियां हैं उन्हें वो उठाकर 80% पर ले आते हैं और कहते हैं कि नहीं ये गलतियां हुई है इस पर हम बैठेंगे, आखिर बॉलर्स का ऐसा खराब क्यों गया, ये एक बैट्समैन का ये क्यों गया और ये ओवरऑल पिक्चर पर खराब चीजें क्यों हुई। हमने ऑपोजिशन को हल्के में ले लिया, हमने ऑपोजिशन के बारे में कुछ जाना नहीं, उनके बारे में कुछ तैयारी नहीं की, ये चीजें उनके इंटरव्यू में आप ज्यादा देखेंगे इन कंपेयर एक्सक्यूजर। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जोन सर की, और जो प्लेयर्स में वो डालने लगे हैं, और जिसकी वजह से प्लेयर्स के अंदर फाइट बैक क्वालिटी जो है वो काफी कमाल की रही है। एक चैलेंज उनके अंडर भी यहां पर है, और वो एंड क्या है मैं चाहूंगा आप ही उसे बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे। एक चैलेंज जो उन्हें करना है, जो अब जिसमें ओमान की टीम आज की डेट में भी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी स्ट्रगल कर रही है, और क्रिकेट जरूर चाहेगा कि उस पर भी सर जल्द से जल्द और स्ट्रांगली तरीके से काम करें। सर अकेले तो नहीं है, उनके साथ पूरी एक स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं मेन हेड जो है सरगना बॉस आप जो भी कह लें वो वही है, एंड वो चैलेंज किया। बिल्कुल, देखिए वो चैलेंज कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि जो न्यू कमर जो प्लेयर आ रहे हैं अब टीम में हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस जो करते हैं वही पुराने प्लेयर गिन चुनकर 3-4 प्लेयर्स हैं जिनके बेस पर टीम जीतती है। एक कंसिस्टेंट जो हमें नज़र आते हैं चाहे कहीं भी जाएं, ज़्यादा प्रेशर इन पर आ जाता है वो यही है। अगर आप देखें आकिब इलियास, जतिंदर सिंह, जिशान, उसके बाद आप देखें बिलाल खान, बस यही आपको नाम नज़र आएंगे, लेकिन इसके अलावा टीम में बिल्कुल कोई एकदम ऐसा परफॉर्मर नहीं है कि जो अपने बल पर मैच को लड़ा सके, अब मैच को अटका दे कि हाँ हम मैच में हैं। नहीं, अगर ये 3-4 का परफॉर्मेंस खराब हुआ है तो फिर आप समझ लीजिए बिल्कुल 10 में से 7 बार ऐसा होगा कि ओमान मैच हार जाएगा, बिल्कुल 10 में से 3 बार होगा कि हाँ ओमान ये मैच जीत कर ले आया बिना इन 3-4 जो इनके प्राइम बॉलर है या बैट्समैन है सबको मिलाकर उनके बिना। तो ये सर को कहीं ना कहीं ठीक करने की ज़रूरत है। अभी मेहरन खान भी एक प्लेयर आए हैं, वो भी नए इंक्लूजन हुए हैं, जय उडेदरा यहाँ पर आए हैं, अयान, शुएब, कश्यप, ये सब भी नए प्लेयर्स हैं, 1-2 साल इन्हें भी हो गए हैं टीम में, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस, उस तरीके का एक कंसिस्टेंसी एक जो चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ टीम के 3 विकेट गिर गए हैं और स्कोर भी इतना बड़ा नहीं है, हमने कई बार देखा है, लेकिन इतना वाहियात शॉट खेल कर वो जाते हैं। अभी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई थी, अयान और शुएब ने इस लेवल का क्रिकेट खेला, बहुत खराब क्रिकेट, बिल्कुल, तो वहां पर थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ तक कि प्रैक्टिस के लिए जो सीरीज रखी है अफगानिस्तान के खिलाफ उसमें भी आकिब और जिसानी चल रहा है, बताइए आप। तो अगर वो प्रैक्टिस मैचेस में भी अगर वही काम करेंगे, जबकि वो मैचेस तो उनके लिए हाथ खोलने के लिए होता है और प्रेशर नहीं होता, बस ना कि इतना सीरियस होने के लिए कि जीतना पड़ेगा, वो चीज़ सीरियस अब इनको होना है जो नए प्लेयर आए हैं जिनको 1-2 साल हुए, अब ये सब हो गए 6-7 सालों से क्रिकेट खेले जा रहे हैं, काफ़ी अचीवमेंट्स कर ली इन्होंने, बिल्कुल सही कहा आपने, उनके साथ अचीवमेंट जुड़ गई, वर्ल्ड कप जुड़ गए, लेकिन अब आपको इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग में और आगे जाना है नए नए प्लेयर्स को, लेकिन वो परफॉर्मेंस दिख नहीं रही है अभी नए प्लेयर्स। बिल्कुल, तो इस प्रोपोर्शन पर सर को बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि सर अगर सिर्फ हैं और हो रहा है, नहीं जी, थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर जरूर देना होगा, क्योंकि वो रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा। आप 2021 कर देखिए, 2022-2023 आप अगर लगातार नोवन टीम का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको वही 4 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बार बार घूम फिर कर हाईलाइट होती हुई ऊपर नजर आएगी, टॉप ऊपर ही नजर आएगी, कोई एक दूसरा प्लेयर आकर उन्होंने कंसिस्टेंसी से रन किए, टीम के लिए बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि एसेट साबित हुए, ये हमें देखने को नोवन में नहीं मिलता। इस पोर्शन पर सर को काम करने की जरूरत है, ये एक चैलेंज वहां रहेगा। अब चलते हैं एक और कोच की तरफ, मोंटी देसाई सर की तरफ। यहाँ पर हमने शुरू में आपसे कहा था कि पेपर में आपको लग रहा होगा कि हाँ फिर भी टेली अच्छे अचीवमेंट्स हैं, बड़ी अचीवमेंट्स हैं,
लेकिन ये इतनी ज्यादा भी नॉर्मल अचीवमेंट्स नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स गिनी जाएगी अगर हम बात करें नेपाल के प्रस्पेक्टिव से, क्योंकि टीम का जो हालात थे उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा खराब, अगर हम देखें प्लेयर्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट चल रहा था वो आप जानते हैं किस तरह के डिस्प्यूट चल रहे थे संदीप लामिछाने वगैरह को लेकर, उसके बाद संदीप लामिछाने के केस ने जो इम्पैक्ट डाला ओवरऑल पूरे क्रिकेट पे, उसके बाद फिर नेपाल टी20 लीग के साथ जो कुछ हुआ वहां पर कंट्रोवर्सीज वगैरह, तो पूरे और टीम भी लगातार वहां पे मैचेस हार रही थी, टीम का जो मोरल था वो कंप्लीटली बिलो था, डाउन था, और एक पहाड़ लगभग चढ़ना था, आप कह लें नेपाल के पर्सपेक्टिव से कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ना था तो वो कहना गलत नहीं होगा, वो एकदम नीचे थे और उन्हें माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचना था, इस तरीके के हालात उस वक्त थे और उसमें कई सारे हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स आपका इंतजार कर रहे थे। उस वक्त पर टीम ने जो है मोंटी थॉमस सर को हायर किया और उस तरह से सबसे पहली चीज जो उन्होंने एंड फिलअप की है, कोचिंग वोचिंग तो बाद में शुरू हुई ऑन ग्राउंड, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने माइंड में प्लेयर्स के डाला कि सबसे पहले तो आप जिस भी शेल में हैं उनसे निकलिए, जो भी आपके माइंड में चल रहा है उन सबको आप बाहर रखिए, निकलिए, सबसे पहले खुश रहना सीखिए, अपना हैप्पीनेस मोड ऑन करिए, क्योंकि आप कितने भी अच्छे क्रिकेटर हो अगर आपका ध्यान कहीं और है तो फिर आप ग्राउंड में परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। सबसे पहले उन्होंने कहा सारे के सारे जो 15-20 प्लेयर्स हैं मेरे वो उधर से ध्यान हटाकर अपना माइंड इधर ग्राउंड पर लेकर आइए, उस प्रोसेस उन्होंने सबसे पहले चालू किया, वो आप कह सकते हैं एक आइस ब्रेक टाइप का प्रोसेस वो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये वाकई में बहुत बहुत बेहतरीन है, ये आपने बहुत अच्छा कहा, जिस तरीके से प्लेयर्स डिस्ट्रैक्टेड थे कुछ कंट्रोवर्सी से या कुछ न्यूज से, इससे सर ने जो काम किया है वो वाकई में, अगर दिमाग ही नहीं है गेम में और फिर आप कितना भी बड़े प्लेयर हो और आप नहीं फोकस कर सकते, लेकिन जिस तरीके से मोंटी सर ने जो किया है ये काम, ये वाकई में ये देखने को भी मिला है ये डायरेक्ट कि हाँ पहले प्लेयर कहीं और ही ध्यान था लेकिन उसके बाद जब से सर आए हैं अब सीधा गेम में फोकस। बिल्कुल ये सबसे ये बहुत रियलिटी है, आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि हाँ होम में सीरीज थी तो खूब मैचेस वैचेस जीत लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मेंटालिटी भी देखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि होम में मैचेस है तो बस होम में आप आए और मैचेस ढा गए, सामने वाली टीम ऐसी बैठी रह गई, ऐसा नहीं है, आप क्लियरली बॉडी लैंग्वेज नोटिस करेंगे तो 2022 में टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे बिल्कुल पोल सपाट आपको मिलेगा 2023 बॉडी लैंग्वेज, इसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो मोंटी थॉमस सर को जरूर जाएगा। सबसे पहला काम तो उन्होंने ये किया, उसके बाद जो दूसरा काम है इसे भी मैं चाहूंगा आप समझाएं जो उनके अंडर में हुआ है, उसके बाद फिर और आगे बढ़ेंगे, वो हुआ है कि मान के चलिए एक बौना है, एग्जांपल के तौर में कह रहा हूं, एक कोई बौना आदमी है और उनके सामने ऊंट पे उन्हें चढ़ने के लिए बोला गया, तो उन्होंने उस बोने को इतना ज्यादा पिंच किया कि नहीं आप बोने तो क्या हो गया आप इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, कैसे चढ़ेंगे वो मुझे नहीं पता जी, हाँ। बस आपको मुझे चढ़ के दिखाना है, यानी ये भी आपने नोटिस किया होगा। बिल्कुल नहीं, ये तो खरा है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो गया आप 21 के हैं, 22 के हैं, 23 के हैं, क्या हो गया 16 साल की उम्र में एक लड़के ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। जरूर जरूर, ये वाकई में ये कॉन्फिडेंस जो एक है अपने आप में जो टीम में भरा है मोंटी सर ने, ये देखे अगर आप सबसे बड़ी चीज देखेंगे जब इंडिया के खिलाफ जब नेपाल ने गेम खेली थी एशिया कप एशियन गेम्स में भी जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे वो काबिले तारीफ है, काउंटर अटैकिंग क्रिकेट था, इतनी बड़ी टीम के खिलाफ आप जब खेल रहे हैं आपको मालूम है अरे सामने विराट कोहली है, रोहित शर्मा है वगैरह वगैरह और बड़े नाम है जिनको आप लोग देखते थे, लेकिन जब बॉडी लैंग्वेज देखने को मिला एकदम नॉर्मल सा, एकदम ऐसा लगा कि हाँ हम तो यार दोस्त हैं, आज हम आप हमारे कॉम्पिटिटर हैं। बिल्कुल सही कहा, ऐसा लगा ही नहीं देखकर कि अच्छा नर्वस हो रहे हैं ये प्लेयर या कुछ, परफॉर्मेंस इस तरीके की हुई चाहे शॉर्ट बॉल्स पर हिट करना हो, डग ना करना हो, खेलना हो, निडर होके बॉलिंग जिस तरीके से रही है कि हाँ भाई अपना बॉलिंग करानी है, पूरी फोर्स से करानी है, ताकत से करानी है, चाहे फील्डिंग हो, फील्डर्स लगे हुए हैं, बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके की हमें देखने को मिली है फुल मेंबर्स के खिलाफ भी, क्योंकि नेपाल ने इस साल काफ़ी खेला है फुल मेंबर्स के खिलाफ, उसके बाद आप देखें वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब 3 विकेट गिराए शुरुआत में एकदम तेजी के साथ, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो पार्टनरशिप हुई है, कई कई मौके ऐसे आए हैं जहां पर बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ भी नेपाल ऐसा खेला है एकदम निडर होके बजाय 2021 के 22 के मुकाबले इस 23। बिल्कुल सही काम, यहाँ परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे याद रखिएगा, यहाँ बात कर रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज, जरूर बॉडी लैंग्वेज फुल मेंबर्स के खिलाफ उनकी काफी बेहतरीन रही है इस साल, अगर हम कंपेयर टू बाकी खेले इस साल काफी ज्यादा खेला है, लेकिन फिर भी अगर वो हम कंपेरिजन यहाँ पर देखें एशियन गेम्स में भी टीम ने इंडिया के खिलाफ काफी अच्छा किया था, इसमें कोई दोराय नहीं है। खैर तो ये बात हो गई बॉडी लैंग्वेज की, ये दोनों चीजें सबसे पहले टीम में डाली गई कि आप चाहे कोई भी हो, आप चाहे नए हो, आपको चाहे आपने शायद 2 मैचेस खेले हो, चाहे आपने डोमेस्टिक खेला हो, लेकिन आपको मैं इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आया तो आपको ये मेरे लिए करना होगा, कैसे करना क्या करना है वो आप करिए, लेकिन मुझे अगले 4 ओवर में 2 विकेट चाहिए, मुझे अगले 5 ओवर में आपके बल्ले से 25 रन चाहिए, वो आपको करना है कैसे करना, ये उन्होंने कहीं ना कहीं टीम में भरा जरूर है। उसके बाद अगर हम देखें यहां पर एक और चीज यहां पर टीम के निकल कर आई है कि हमें प्लानिंग्स पहले के मुकाबले ज्यादा नजर आती है,
ये हमने नोटिस किया है, और आप देखेंगे कई कई सिचुएशन पे, कई कई सिचुएशन पे जो है थोड़े से टीम जो है प्रेशराइज जरूर हो जाती है, लेकिन हमने ज़्यादातर मोमेंट पे ये देखा है कि प्लान्स हमें नज़र आए हैं। पहले के मुकाबले से हम कहते थे कि यहाँ पर ही गलती कर दी गई, वहाँ पर ही गलती कर दी गई, वो गलतियों की गुंजाइश थोड़ी सी कम तो हुई है, ज़रूर हुई है, और प्लान्स और ज़्यादा नज़र आता है कोचिंग में। बिल्कुल बिल्कुल, जो समझाया जाता है जिस तरीके से हम देखते भी हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स के साथ सर इन्वॉल्व रहते हैं जी, तो इन्वॉल्व रहेंगे तो आप गेम प्लान बना सकते हैं। ये आपने सही कहा, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है कोच सर की प्लेयर्स के साथ, बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि मैच के बीच में भी जब वो ड्रिंक्स वगैरह लेकर आते हैं, वो बहुत एक बेहतर ह्यूमैनिटी दिखाते हैं सर का, कि कैसे इंसान है सर, वो बहुत बड़ी बात है। तो खैर, अगर वो देखेंगे आप कि वो गेम में इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हैं, कि हाँ हम मैं एक पर्टिकुलर प्लेयर को समझा रहे हैं, या बॉलर्स हैं तो उन्हें मिलकर कुछ समझाना, ये वाकई में तो यहीं से तो प्लान निकलते हैं। अब वो समझा क्या रहे हैं, ये तो नहीं समझा रहे कि आपको बॉलिंग कैसे करानी है, नहीं ऐसा नहीं है, सब इंटरनेशनल बॉलर हैं तो वहाँ प्लान्स बनते हैं, तो जब प्लान्स होंगे तो हमें वो दिखेगा भी ऑन द ग्राउंड, कि हाँ कुछ कप्तान प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोच सर जो है वो ग्राउंड के बाहर हैं, वो भी नज़र रख रहे हैं कहाँ फील्डिंग है कहाँ नहीं है, तो ये अपने आप में बहुत बेहतर है। कोच सर जो बाहर रहते हैं, मोंटी सर, वो बैट्समैन के थ्रू से भी देख पाते हैं, जब वो घूमते हैं पूरा चक्कर लगाते हैं तब वो देख पाते हैं कि अच्छा बल्लेबाज ज़रा ये फील्डिंग ऐसी ऐसी देख रहा है, तो मैं ज़रा जाकर बोलता हूँ कि आप ऐसा करो वैसा करो, और हर टाइम नहीं बोलता हूँ, कप्तान भी कुछ चीज है, उनकी भी एक ये भी डिग्निटी वो मेंटेन रखते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, रोहित पुड़ैल को भी उन्होंने उतना ही दिया है कि आप भाई ग्राउंड में हो तो आप अपना देखो, जब आप बाहर आओगे तो मुझे कुछ ज्यादा जरूरत पड़ेगी तभी मैं ऐसा बोलूंगा, वरना फिर आप ही करो जब तक आपसे हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलती है। और एक चीज यहाँ पर है कि अगर हम देखें जो मोंटी सर के अंडर में, तो जहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या, आपको कहीं ना कहीं लग सकता है, कोई कुछ लोगों का ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा प्लानिंग जो है वो बैकफायर करती है। एट द एंड जो अगर हम देखें, कोच सर का काम वो है कि वो सारी प्लानिंग्स करें, सारी चीजें उन्हें बताएं, और इस तरीके की प्लानिंग्स के साथ वो टीम उतरे, और 11 प्लेयर्स के साथ वो उतरे, प्लान बनाने का काम उनका, एग्जीक्यूशन का जो काम है वो उन 11 प्लेयर्स का है, और उन एग्जीक्यूशन को मेक श्योर कराना कि वो ठीक से हो रही है वो कप्तान का। बिल्कुल, तो एट द एंड फिर वो अलग डिपार्टमेंट हो जाता है, लेकिन कोच सर का जो डिपार्टमेंट है वो हमें प्लानिंग्स और जो स्ट्रैटेजीज हैं वो, और प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट ड्यूरिंग मैच, ऐसा नहीं कि 8 घंटे तक वो डगआउट पे बैठे, वो बहुत सारे कोचेस ऐसे होते हैं, फुल मेमोरी में भी है, शेप में भी है, 8-8 घंटे से वहीं पर बैठे रहते हैं, वहीं से लेक्चर देते रहते हैं, लेकिन मोंटी सर के अंदर हमें वो देखने इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा रहती है, और प्लानिंग स्ट्रैटेजीज पहले के मुकाबले हमें काफी ज्यादा देखने को मिली है। एक चैलेंज मोंटी देसाई सर के सामने भी यहाँ पर जरूर है, और वो हम जरूर चाहेंगे कि उस पर सर थोड़ा सा और ज्यादा पुश दे, एंड वो क्या चीज जरूर वो है, अवे के जो गेम्स हैं, अवे में जब नेपाल जाएगी तब हमें थोड़ा सा और ज़्यादा देखना होगा कि अवे में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है जी। सर को बोर्ड से ये डिमांड करने की ज़रूरत है कि हमें कम से कम 1 साल में 2 टूर ऐसे मिले, परमानेंट 2 टूर, बिल्कुल परमानेंट 2 टूर ऐसे मिले कि हम अवे में जाएं, जैसे कि यूरोप कंट्रीज में हुआ या अफ्रीका में हुआ। अवे से हमारा मतलब ये है, अवे से मतलब ये नहीं है कि यूएई ओमान में जाकर वहाँ कैंप लगा रहे हैं, नहीं, अवे से मतलब जहाँ टफ कंडीशन है, जहाँ प्लेयर्स आमूमन खेलते ही नहीं है। अगर हम देखें यूरोप में या अफ्रीका में कितना ही जाती हैं एशियन टीमें, जब कुछ दौरा होता है कभी कभार हाँ चले गए, कोई आईसीसी क्वालिफायर हो गया, खासकर एसोसिएट्स के लिए, तो एसोसिएट्स के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल एसोसिएट के लिए तो बहुत ही कम हो जाते हैं, तो इसलिए सर को ये थोड़ा सा बोर्ड से बात करनी चाहिए कि हम 1 साल में अगर 2 टूर कर पाए अवे में जाकर, किसी फर्स्ट क्लास टीम्स के खिलाफ या ए साइड्स के खिलाफ, किसी अच्छी टीम हो, अच्छी टीम हो जी हाँ, और ग्राउंड सुखर रहते ही है, कंडीशन अलग रहती है, तब जाकर अवे के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस का जो बेस है वो सर रख पाएंगे, और अवे में टीम शायद हमें बहुत अच्छा करते हुए दिखे। लेकिन उसके लिए हम बस यही एक चैलेंज जो है, और बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा, क्योंकि अब नीदरलैंड, स्कॉटलैंड ऐसी टीमें भी यहाँ पर आ गई हैं, तो अब अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बढ़ जाए। बिल्कुल सही कहा, तो यहाँ पर देखना होगा कि सर कितना पुश करते हैं क्रिकेट बोर्ड को, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें रखते हैं कि नहीं मुझे कम से कम साल में 2 टूर तो अवे का चाहिए ही चाहिए, एक यूरोप में और एक अफ्रीका में, अलग अलग कंडीशन पे, परमानेंट आप 1 साल में 2 ही रखें, लेकिन कम से कम वो रेगुलर रहे साल दर साल, तो बहुत बेहतर रहेगा। तो अवे में टीम कैसा करती है ये परफॉर्मेंस अभी सर को, और देखना है कि किस तरह से सर अवे के लिए प्लेयर्स को तैयारी करते हैं। सीरीज से कोई टूर्नामेंट से पहले एक सीरीज खेल देना, ये वाला प्रोसेस कहीं ना कहीं खत्म हो तो बहुत बेहतर होगा। अवे के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, होम में आप काफी
काफी स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है, वो आप सही कर रहे हैं, ज्यादा वहां पर कुछ घुस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अवे गेम्स में एक बड़ा चैलेंज सर के सामने है, और इसके लिए ये बहुत अच्छा प्लान हो सकता है कि बोर्ड के सामने वो ये प्रस्ताव रखे कि हमें साल में कम से कम परमानेंट दो सीरीज आप अवे अवे फ्रॉम हमारे कॉन्टिनेंट से अवे की बात कर रहे हैं वहां पर आप जरूर रखवाइए। और यूरोप और अफ्रीका वो सबसे बेस्ट होंगे अगर उन कंडीशन पे प्लेयर्स लगातार अवे में जाकर टॉप टीम खेले। आप देखिए, आप जर्सी के खिलाफ भी सीरीज खेल सकते हैं। जी हाँ, जर्सी को इतनी मामूली टीम है, जर्सी आपका है, जर्सी बहुत अच्छा टेस्ट लेगी और जर्सी के खिलाफ आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। जर्सी के खिलाफ अगर आप खेलते हैं, ये ऑप्शन बुरा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं है। अरे आप देखिए 50 ओवर में, जिनको नहीं मालूम है, जो कहेंगे जर्सी बहुत छोटी टीम है, आप क्या बातें कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप जर्सी की टीम को 50 ओवर का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, चैलेंज लीग देखिए, जरूर 12 बार प्लेऑफ में भी अच्छा किया उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप जर्सी टीम है और काउंटी की वहां पर टीमें हैं, इंग्लिश काउंटीज की वहां पर टीमें हैं जो बहुत अच्छा बेहतर है, लेकिन जर्सी भी आप जर्सी को दरकिनार नहीं कर सकते। जो ग्राउंड्स आपको अलग मिलेंगे, कंडीशन अलग मिलेगा, ये अपने आप में खुद में चैलेंज होगा सारे प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर आमतौर पर कोई वहां पर खेलता नहीं। तो यही एक चैलेंज है मोंटेसर सर के सामने, जो बहुत बड़ा चैलेंज है, जिन्हें उन्हें कहीं ना कहीं क्रॉसओवर जरूर करना होगा सक्सेसफुली। देखना होगा कि ये दोनों दिलीप पांडे सर और मोंटेसर सर अपने अपने दो चैलेंजेस को रेस्पेक्टिवली किस तरह से, अब वही देखिए जो दिलीप पांडे सर के लिए चैलेंज है वो नेपाल के लिए चैलेंज नहीं है, नहीं नहीं, क्योंकि वहां पर जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं ओमान में, वो परफॉर्मेंस सर अभी तक निकाल नहीं पाए प्लेयर्स की, लेकिन यहां पर तो पूरी की पूरी टीम ही यंग है, उनकी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन रही है। इससे दोनों के लिए अलग अलग चैलेंजेस है, लेकिन दोनों को ये कंप्लीट जरूर करना होगा। तो ये इनका जो है छाप जो है इन दो कोचेस का ओमान और नेपाल में पड़ा है इन रिसेंटली टाइम में, किन किन रीजंस की वजह से ये जो है पहुंचे हैं, इतने बेहतरीन अचीवमेंट्स इन्होंने अपने साथ एड ऑन किए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने, आप अपनी राय इस पे क्या कहते हैं इन दो कोचेस के बारे में जरूर कमेंट कर सकते हैं। और डेल क्रिकेट में इस तरह की कंटेंटफुल चीजें हम आपके लिए लगातार प्रेजेंट करते रहते हैं, आपको शायद ही कहीं मिले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो लगातार बने रहिए और वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करें। बाय।